आप जैसा कोई और डिस्को दीवाने सॉन्ग से दुनिया भर में धूम मचाने वाली नाज़िया हसन की कहानी बहुत दर्दनाक रही। सिर्फ 35 साल की उम्र में वो चल बसी। म्यूजिक करियर में तो उन्होंने बहुत नाम कमाया, लेकिन रियल लाइफ में जो थी, उनकी निजी ज़िंदगी जो थी, वो बहुत दर्दनाक थी। उनकी शादी पाकिस्तान के एक बिजनेसमैन से हुई थी। उन्होंने अपने पति पर यह आरोप लगाया था कि उनके पति ने उनको स्लो पॉइजन दिया और इसी वजह से धीरे धीरे वो बीमारी की शिकार हो गई। तो चलिए आपको बताते हैं नाज़िया हसन की कहानी। नाज़िया हसन का जन्म 3 अप्रैल 1965 को कराची में हुआ। एक बड़े बिजनेसमैन के परिवार में उनका जन्म हुआ था। कुछ दिनों बाद उनका पूरा परिवार लंदन चला गया। लंदन के स्कूल में उनकी पढ़ाई लिखाई हुई, वहीं उनकी परवरिश हुई। नाज़िया हसन की माँ मुनीज़ा जो है ज़ीनत अमान की बहुत अच्छी फ्रेंड थी। एक बार ज़ीनत अमान उनके घर गई थी, वहाँ गिटार देखा उन्होंने, तो उन्होंने पूछा कि गिटार कौन बजाता है, तो उन्होंने बताया कि मेरे दोनों बच्चों को म्यूज़िक का बहुत शौक है। उसके बाद ज़ीनत ने नाज़िया से गाना सुना और इतनी इम्प्रेस हो गई कि उन्होंने तुरंत, वो उस समय फिल्म कुर्बानी में काम करने जा रही थी, तो फिल्म के प्रोड्यूसर फिरोज़ खान को फ़ोन किया और कहा कि मैंने एक बहुत अच्छी वॉइस सुनी है, बिल्कुल अलग वॉइस सुनी, आप देखिए अपनी फिल्म में अगर इनको ट्राई करें। फिरोज़ खान ने वाकई जब नाज़िया की आवाज़ को उन्होंने सुना तो वो दंग रह गए और फिर उन्होंने कहा कि मेरी नई फिल्म कुर्बानी में नाज़िया हसन गाना गाएंगी। नाज़िया हसन के गाने की रिकॉर्डिंग लंदन में ही हुई। उन्होंने स्कूल से हाफ डे लिया और स्कूल यूनिफॉर्म में ही उन्होंने आप जैसा कोई गाना रिकॉर्ड किया। ये गाना जब फिल्म में दिखाया गया तो बहुत पसंद किया गया, क्योंकि नाज़िया की आवाज़ बिल्कुल अलग थी। इसके बाद उनको फिल्म फेयर अवार्ड से जो नवाजा गया, पूरी इंडिया में गाना बहुत पसंद किया गया और यही वजह है कि पहली बार किसी पाकिस्तानी सिंगर को फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया और ये अवार्ड उनको राज कपूर ने दिया। राज कपूर ने खुद फ़ोन करके नाज़िया हसन को इंडिया बुलाया और इंडिया में उन्होंने कई सारे शोज़ किए, कई सारे शहरों में घूमी, उनको बॉलीवुड फिल्मों में ऑफ़र किया गया। लेकिन नाज़िया हसन का परिवार थोड़ा रूढ़िवादी था। उन्होंने कहा, हमने अपनी बेटी को बड़ी मुश्किल से गाने की परमिशन दी है, पिक्चर में काम करने की परमिशन नहीं दे सकते। 1991 में नाज़िया हसन का आखिरी एल्बम आया और उसके बाद उन्होंने म्यूज़िक वर्ल्ड से विदाई ले ली और फिर उनकी शादी हो गई। उनकी शादी पाकिस्तान के एक बिजनेसमैन से हुई थी। नाज़िया हसन ने आरोप लगाया था कि उनके पति की पहले से 2 शादियां हो चुकी थी, लेकिन उनके पति ने इस बारे में उनको बताया नहीं था। उनकी पहली शादी एक डांसर से हुई थी और दूसरी शादी पाकिस्तान की एक एक्ट्रेस से, और उनके परिवार को इस बात की जानकारी नहीं दी गई थी। इश्तियाक बेग के साथ नाज़िया हसन को एक बेटा भी हुआ, लेकिन दोनों के बीच जो है तनाव बढ़ता रहा और धीरे धीरे दोनों के बीच ये हुआ कि उनको अलग हो जाना चाहिए। नाज़िया हसन अपने पति को छोड़कर लंदन आ गई और फिर वहाँ धीरे धीरे वो कैंसर जैसी बीमारी की चपेट में आ गई। डॉक्टरों ने जब उनकी जाँच की तो कहीं ना कहीं पाया गया कि उनको स्लो पॉइजन दिया गया था। शादीशुदा ज़िंदगी नाकाम रही, म्यूज़िक करियर भी कुछ खास नहीं चला। इसी वजह से नाज़िया बहुत परेशान रहने लगी, डिप्रेशन में आ गई, कैंसर की शिकार हो गई और उनकी जो है 5 कीमोथेरेपी हुई। उनको बचाने की बहुत कोशिश हुई, लेकिन लंग कैंसर जो है उन जानलेवा साबित हुआ और साल 2000 में सिर्फ 35 साल की उम्र में नाज़िया हसन चल बसी। उनके निधन से दुनिया भर में उनके तमाम फैंस जो है बहुत गमगीन हुए थे। नाज़िया हसन की आवाज़ जितनी खूबसूरत थी, उनकी ज़िंदगी उतनी खूबसूरत नहीं रही। उनकी ज़िंदगी में बहुत सारे दर्द रहे, उनकी शादी कामयाब नहीं रही, बच्चे से उनको दूर होना पड़ा, कैंसर जैसी बीमारी का शिकार हो गई और सिर्फ 35 साल की उम्र में वो इस दुनिया से चल बसी।